तो पंजाब के जमदे बच्चे के सिर इस वक्त 90,000 के करीब कर्जा है। एक अहम गल जी इस बजट के निकल के सामने आई है, औरतों के वास्ते जिहड़ा किराया सरकारी बसों के माफ़ कर दिता गया है। 2019 केजरीवाल सरकार वालों भी दिल्ली के सारिया जिहड़ियां औरतां ने उन्हां दा किराया माफ़ कर दिता गया सी सरकारी बसों के। ₹4650 करोड़ रुपए मुफ्त बिजली देने वास्ते, किसानों मुफ्त बिजली देने वास्ते 4650 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 1064 करोड़ रुपया वह यूनीवर्सिटियां दे वास्ते रखा गया, जिस दे विचों 90 करोड़ केवल पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला दे वास्ते रखा गया है। जिहड़ा करजे दे विच पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला डुबी हुई सी, बहुत सारे उत्थे धरने भी लगे सीगे, पर भगवंत मान भी पहुँचे सीगे। पिछले समय की गल आ, इह गल सरकार तक पहुँची है तो 90 करोड़ रुपया जिहड़ा वह पटियाला यूनीवर्सिटी के वास्ते रखा गया है, ये बहुत वधिया गल है। होर भी बहुत वधिया गल्लां इस पंजाब दे बजट दे विच हैगियां ने, पर ये गल्लां कदों अमल दे विच आउंदियां ने। सत श्री अकाल जी, मैं वरिंदर औलख और इस वीडियो नूं देखण वाले सारे दोस्तों मित्रां प्यारियां दा स्वागत है। दोस्तों एक अहम ते जरूरी गल मैं वीडियो शुरू करन तों पहलां दसनी चाहुंदा, जिन्ने भी दोस्त इस वीडियो नूं देख रहे हैं, जिहड़े दोस्त अपने चहेते नेता दे बारे कुछ गलत नहीं सुन सकते, उसके विरोध दे विच जां उसके खिलाफ नहीं सुन सकते, वो इस वीडियो नूं छड्ड के जा सकते हैं। दूजे पासे जिहड़े दोस्त अपने किसी विरोधी नेता दे बारे, विरोधी लीडर दे बारे कोई चंगी गल नहीं सुन सकते, उसकी तारीफ नहीं सुन सकते, वह भी इस वीडियो नूं छड्ड के जा सकते हैं, क्योंकि सच नूं सच कहना साडा फर्ज हुंदा है। ये गल मैं क्यों कही है, ये गल दे बारे आपां अगे अखीर दे विच गल करनी है, कारण है इस दे पिछे कोई, तां मैं ये गल कीती है। साडा सच नूं सच कहना साडा फर्ज हुंदा है, जेकर कोई चंगा लीडर माड़ा काम करता है तो वह भी असीं सामने लिआउणा साडा फर्ज हुंदा है, ते जेकर कोई माड़ा लीडर चंगा काम करता तो उसकी तारीफ करना भी साडा फर्ज हुंदा है। सो हुण आपां अज मुद्दे की गलते आने हैं, पंजाब के बजट पर आप अज गलबात करनी है। पंजाब दे विच 8 तरीक नूं पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा पंजाब का जिहड़ा बजट आ पेश किया गया है, उस दे विच की खासियत आ इस दे बारे आप अज गलबात करनी है। जदों भी देश का बजट पेश हुंदा है तां पूरे देश दीआं निगाहां देश दे बजट ते टिकियां हुंदियां ने, ते जदों पंजाब दा बजट पेश हुंदा है तां पूरे पंजाब दीआं निगाहां पंजाब दे बजट ते टिकियां हुंदियां ने। उह क्यों टिकियां हुंदियां ने, क्योंकि इस बजट दे विच पिछले साल दा लेखा जोखा भी हुंदा है ते आउण वाले साल दा भी लेखा जोखा हुंदा है। आउण वाले साल दे विच की नवीआं सहूलतां शुरू कीतियां जाणगीआं, किहड़े महकमे नूं किन्ना फंड दित्ता जाणा है, किहड़े खेत्र दे विच किहड़े लोकां नूं की सहूलतां दित्तियां जाणियां ने, किहड़े किहड़े वर्गां नूं की सहूलतां दित्तियां जानियां ने, ये सारा जिहड़ा सारी गल्लबात आ वह बजट दे विच हुंदी है। इस तरह ही देश दे विच भी पूरे देश दे लोक ये देखण दे वास्ते उत्सुक हुंदे आ कि किहड़े महकमे नूं किहड़े वर्ग नूं की दित्ता गया है, की फंड दित्ता गया है, इस दे बारे लोक सुनना चाहुंदे आ। सो अज आपां गल्लबात करनी है पंजाब दे विच जिहड़ा बजट पेश होया है, दूजे पासे दिल्ली दा जिहड़ा बजट है उसका आपां कंपैरिजन करना है। दिल्ली दे विच बजट जो पेश होया है और पंजाब दे विच जिहड़ा बजट पेश होया है, दिल्ली और पंजाब का वैसे तो कोई मेल नहीं, जे आप खेत्रफल के पक्षों भी गलबात करिए, जे आप जनसंख्या के पक्षों भी गल करिए, दिल्ली और पंजाब का वैसे कोई मेल नहीं है, पर कुछ सहूलत जो एको जी होंगे ने। दिल्ली की गल करिए दिल्ली की जी जनसंख्या 1,67,00,000 के करीब है, दूजे पास पंजाब की जी जनसंख्या 2,77,00,000 के करीब है, तो जे आप गल करिए जनसंख्या घनता की तो पंजाब 550 लोग जो 1 वर्ग किलोमीटर के रेंदे है, तो दिल्ली के 11,000 के करीब जोड़े लोग 11,297 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के रेंदे है। इस तरीके वैसे तो कोई पंजाब का और दिल्ली का मेल नहीं है, पर जिते गल बजट के कुछ मुख्य सहूलत होंगे ने, जोड़े साढ़े मेन मुद्दे होंगे है, मुख्य लोड़ा होंदिया ने, वो साड़िया इको जी होंदिया ने, क्योंकि कुली गुली और जुली का जोड़ा कॉन्सैप्ट है ये हरेक बंदे की लोड़ होंगी है, सेहत तो
ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਜਟ, ਉਹ 7704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 13,092 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 15,815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਜਟ ਉਹ 12,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ 13,092 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2,276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 3,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4,466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 901 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2021 ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੀ, ਹੁਣ 21-22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 9,934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11,861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਆ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 2020-21 ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 21-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ PDF ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ।
अगे आप गलबात करते हैं कि शहरी आवास के वास्ते जिहड़ा इस बार 5,328 करोड़ रखे गए है, जल पूर्ति दे वास्ते दिल्ली दे विच 3,294 करोड़ रखे गए है। ये दिल्ली दे विच रखे है। पंजाब की गल करते हैं, पंजाब दे विच 223 करोड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वास्ते रखे गए, 4,650 करोड़ रुपए मुफ्त बिजली देने वास्ते, किसानों मुफ्त बिजली देने वास्ते 4,650 करोड़ रुपए रखे गए है। 11,861 करोड़ रुपए जिदा मैं दस्या स्कूली सिक्ख्या के वास्ते, 1,064 करोड़ रुपया यूनीवर्सिटियां के वास्ते रखा गया है, और 17,051 करोड़ रुपए किसानी की भलाई के वास्ते रखे गए हैं, जिन्हों के किसानों का कर्जा माफ़ किया जाऊगा, खेत मजदूर का जिन्हों के कोल जमीन नहीं है उन्हों का भी कर्जा माफ़ किया जाऊगा सरकार वालों, ये कहा गया है। 4,244 जोड़े करोड़ रुपए है वह विज्ञान तकनोलॉजी तो वातावरण के वास्ते रखे गए हैं। और इस बजट की जी शुरुआत हुई है, शुरुआत दे मनप्रीत सिंह बादल ने यह दस्या है कि पंजाब के सिर किन्ना नवा कर्जा चढ़ चुका है, किन्ना कर्जे की जिहड़े हुण कर्जे का जिहड़ा व्याज आ वह देने वास्ते भी कर्जा चुकना पै रहा है। जे आप गल करिए पंजाब के जमदे बच्चे के सिर इस वक्त 90,000 के करीब कर्जा है, जिहड़े हिसाब नाल पंजाब का कर्जा है, कुल कर्जा जिहड़ा 2,52,880 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब दे उपर है, और इस कर्जे ने आने वाले समय दे विच होर वध जाना है, 2,73,702 तक आने वाले साल दे विच यह कर्जा पहुँच सकता है। ये कर्जा दिनों दिन वधदा जा रहा है, पिछले समय दे नालों इस सरकार दे विच लगभग यह कर्जा दुगना हो चुका है। सुखबीर सिंह बादल का भी यह बयान आया सी कि मनप्रीत सिंह बादल की अगवाई दे विच पंजाब दा जिहड़ा कर्जा है वह दुगना हो गया है। कुछ गल्लां इस बजट दे विच जां कुछ गल्लां इस सरकार दियां इह वी चंगियां ने कि पहलां वालियां सरकारां दी तरह बंबां वालियां सड़कां नहीं हुण बणदियां, पहलां वालियां सरकारां दी तरह ये हुण पण बसां नहीं चलदियां पानी दे विच बसां, मैं पण बसां दी गल नहीं करदा, पण बसां तां चलदियां ही हैं। जिहड़े वादे पूरे नहीं हो सकते इहो जिहे वादे कीते जां इहो जिहियां हासोहीणियां गल्लां इस बजट दे विच देखण नूं नहीं मिलियां। दूजे पासे जिहड़ी बुढ़ापा पेंशन आ उह 750 तों 1500 कर दित्ती गई है, ते औरतां लई आशीर्वाद स्कीम सीगी जिहड़ी उह 21,000 तों 51,000 कर दित्ती गई है। एक दोस्त दे द्वारा मैनूं पता लग्गिया कि पहलां 51,000 ही सी, घटा के 21,000 कीती गई सी, हुण फिर 51 कर दित्ती गई है। इस कोई ये नहीं कि बहुत वड्डी प्राप्ति है, जेकर यह गल सच है कि 21,000 पहलां 51,000 ही सी, 21,000 कीती सरकार ने घटा के फिर 51 करती, तो इहदे विच फायदा कोई ज़्यादा नहीं होया, पर फिर भी करती तो चलो ठीक है, सरकारों मिले तेल कहते होंगे जुत्ती च पवा लईदा हुंदा। लेखकां दी जिहड़ी पेंशन आ वह 5,000 तो 15,000 कर दित्ती गई है, परिवारों की जिहड़ी पेंशन आ वह 2,500 तो 15,000 कर दित्ती गई, जिहड़ा लेखकां दे परिवार आ उन्हां दी पेंशन आ जिहड़ी वह 2,500 तो 15,000 कर दित्ती गई है। समार्टफोनां दे लई 100 करोड़ रखे गए हैं, समार्टफोनां नूं डिले होण ते जिहड़ा डिले होए आ इन्ने समय तो आ नहीं रहे, जिहड़े समार्टफोनां नूं जिहड़े नौजवान उड़ीक रहे आ, इस दे पिछे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कारण दस्सिया है कि करोना दे कारण आ जिहड़े वह समार्टफोन नहीं पहुँचे, हालांकि जिन्ने क पहुँचे सीगे वह वंड भी दिते गए आ 12वीं जमात दे विद्यार्थियों नूं। पंजाब सर जिदा मैं तुहानूं कर्जा दस्सिया, पंजाब दा इनकम उन्नी है नहीं गी जिन्ना पंजाब दे सिर कर्जा है, पंजाब दा जिहड़ा कर्जा कर्जे का व्याज आ वह भी कर्जा लैके भरना पैंदा है। इस तो असीं सोच सकते हैं कि पंजाब की जिहड़ी तरक्की आ जां जिहड़ियां सहूलतां दसियां गईयां ने किहड़े तरीके नाल लागू होणगियां, इह आउण वाला समां दसूगा, क्योंकि गल्लां करनियां तां बहुत सौखियां हुंदियां ने पर उसनूं अमल दे विच जो लिआउणा है वह फिर बहुत औखा हुंदा है। दिल्ली के मुकाबले पंजाब के बजट की आपां गल करिए, पंजाब के बजट का वैसे दिल्ली के नाल कोई मेल नहीं, वक्खरियां वक्खरियां संडियां लोड़ां ने, दिल्ली दो दियां जिहड़ियां वह वक्खरियां लोड़ां ने, केंद्र शासित प्रदेश आ, दिल्ली की जनसंख्या घट है और दिल्ली दे विच रहण वाले लोग वह एजुकेटड ने, वह अपने हक्कां नूं भी ज़्यादा पंजाब दे नालों समझदे आ। सो दोस्तों ये इस बजट का जिहड़ा अनैलिसिस सीगा, हुण आपां गल्लबात करनी है, मैं पिछे जे एक वीडियो बनाई सीगी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पोतरी दे विआह बारे वीडियो बनाई सीगी, उस वीडियो दे उपर कई दोस्तों के कमेंट आए सीगे, बड़ा उन्होंने मे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तां चलो कहना ही कहना सीगा मेरे बारे भी कि सानूं इस इनफॉर्मेशन की सानू की लोड़ सी, इस तो सानू की फायदा होया। दोस्तों जेकर कोई फायदा नहीं होया तो मैं नुकसान भी नहीं किसी का किया, जानकारी दे विच वाधा किया, जो असी करैक्ट वेने वो असी ये फायदा वेख के नहीं वेंदे होंगे कि साडा फायदा की होगा, बहुतियां गल्लां जानना साडे लई वैसे भी जरूरी हुंदा है,
पूरी पूरी वीडियो देख के कई दोस्तों ने कमेंट किए, पूरी वीडियो देख के अखीर जिहड़ियां गल्लां बोलियां वो अपने कमेंटां दे विच मैनशन कीतियां। जेकर तुसी पूरी वीडियो की वेखी है तुसी अपना समा क्यों खराब किया जो थोनू पता है कि इस मसले ते वीडियो दी कोई बहुती जरूरत नहीं। उस मसले ते मैं वीडियो बनाई, लोग मसाला देखना पसंद करते हैं पर सच नूं वेखना पसंद नहीं करते। उस तो पहला भी मैं कई मसलों ते वीडियो बनाईया सी, मैं पंजाब दे मसले ते वीडियो बनाई सी, मैं किसानी दे मसले ते वीडियो बनाई सी। लगातार मैं 2 महीने के करीब किसानी संघर्ष से मैं इंटरव्यूज़ कीतिया सी एक चैनल तो GT रोड FM ते जाके तुसी वो सारिया इंटरव्यू देख सकते हैं। उत्थों के किसान बैठे किसानां दीआं उन्हां लीडरां दीआं उन्हां किसान आगूआं दीआं मैं इंटरव्यू कीतिया सी, तां और किसी भी सज्जन ने वह वेखिया नहीं तो उन्होंने शाबाशी उन्नी नहीं मिली जिन्नी मैनूं पिछली वीडियो के करके जिन्हां लोगों ने कमेंटां दे विच गलत बोलिया। सो दोस्तों कृपा करिया करो अपनी भाषा नूं संकोच विच रख्या करो, जबान नूं जदों भी कोई गल भी करनी है जे तुसी आलोचना भी करनी है तो सभ्यक भाषा के भी आप कर सकते होंगे। कृपा करके भाषा अपनी उसते संकोच रख्या करो, अपनी जबान से संकोच के बोलिया करो जो जी भी गल बोलनी होंगी है। तो दूजा यह है कि भाई मैं कोई यह तो है नहीं गा, मैं इन चीज़ों तो दुखी जरूर हूं पर इन चीज़ों तो डर के मैं ये गल् छड़ नहीं सकता। तो तुसी वो चैनल आ जिहड़े चैनल इन्ना कुछ गलत दिखाते उन्होंने बारे उन्ना नहीं बोलते जिन्ना के मैं शुरुआत की है। शुरुआत के गलतियां हो जाए बच्चे हैं तो इस दे सानू माफ़ करना भी तुहाडा फर्ज बनता है। जेकर कोई गलती होंदी है तो अपने सुझाव चार नीचे दिया जरूर करो, मैं ये नहीं कहिंदा कि ना दिया करो, नीचे तुसी दस सकते हो जिहड़ी गलती होंदी है साढ़े तो वो तुसी दस्या करो, असी अगे तो सुधारन की कोशिश करांगे। सिख दोस्तों ये वीडियो चंगी लगी है तो अगे शेयर कर दिओ, लाइक ते कमेंट करना ना भुल्यो, तो अपने चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो। होर वीडियोज़ के वास्ते तुसी मेरे चैनल ते यूट्यूब चैनल ते वरिंदर औलख सर्च करके तुसी यूट्यूब ते वेख सकते हो। जिहड़े दोस्त फेसबुक ते देख रहे हो ते जिहड़े दोस्त यूट्यूब ते देख रहे हो मैनूं इंस्टाग्राम और फेसबुक ते भी फॉलो कर सकते हैं। सो सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी, और वीडियो चंगी लगी शेयर कर दिओ, कमेंट कर दिओ, लाइक कर दिओ, सारयां दा धन्यवाद, सत श्री अकाल। कृपा करके नीचे कमेंट बॉक्स के दसन की कृपालता करो कि अगली वीडियो तुसी किस विषय पर वेखना चाहते हो। प्रशांत किशोर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार ने उन्होंने बारे वीडियो देखना चाहते हो। निर्मल तुरिया जी जो कंवर गरेवाल नाल तूंबा भी वजाते हैं और बहुत वधिया तूंबी कलाकार ने उन्होंने नाल कीती हुई मेरी इंटरव्यू वेखना चाहते हो, जां फिर रॉक गार्डन के बनाई गई मेरी वीडियो देखना चाहते हो। इन तिना वीडियोज़ के केड़ी वीडियो अगली तुसी वेखना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स के जरूर दस्यो। सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल।